सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हारे का सहारा खाटू श्याम को कहा जाता है और आज उन्हीं का जन्मोत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हमारे सहयोगी भी इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है, जहां खाटू श्याम मंदिर में भव्य दरबार लगा है और इस भव्य दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हारे के सहारे के नाम से लगातार मंदिर गूंज रहे हैं, मंदिरों के बाहर लंबी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा हर हारे हुए व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं और हर साल देवउठानी एकादशी पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इन्हें कलयुग में भी पूजे जाने का वरदान मिला था और खाटू श्याम जी के बलिदान से ही प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वो उनके नाम यानी खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और साथ ही खाटू नरेश कहलाएंगे। और इस साल खाटू श्याम का बर्थडे या यूं कहें जन्मदिवस आज बेहद ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और खाटू श्याम का संबंध महाभारत से है, वो पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है। दरअसल बर्बरीक में अपने दादा भीम के तरह ही बलशाली योद्धा बनने के गुण है, लेकिन आज खाटू श्याम बाबा का जन्मदिवस पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वही मंदिरों में लगातार लंबी भीड़ देखने को मिल रही है और हारे के सहारे के नाम से लगातार मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। ऐसे में रितेश भी हमारे साथ खाटू श्याम मंदिर से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, हारे के सहारे के नाम से लगातार मंदिर गूंज उठ रहे हैं, ऐसे में क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप रितेश? देखिए मुस्कान, आज बाबा जो खाटू श्याम का आज जन्मोत्सव है और यहाँ पर ये जो भव्य दरबार सजाया गया है, आप हमारे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाबा श्याम का ये जो दरबार है, ये भव्य रूप से दरबार यहाँ पर सजाया गया है। आज जन्मोत्सव बाबा खाटू श्याम का है। आप देख सकते हैं कि एक चौखट पे बाबा के दरबार में जो चौखट बना हुआ, उस चौखट पे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा सामने। मैं अपने जितने भी प्राइम टीवी के दर्शक हैं उनको सीधे तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं बाबा खाटू श्याम का, जो इस समय जहां पर बाबा की दीप प्रज्वलित है और लगातार बाबा के जन्मोत्सव में यहां पर भारी भीड़ सुबह से जुटी हुई है। ऐसे में मैं यहां पर कई भक्त ऐसे हैं जो लगातार जुट रहे हैं और उनसे ये जानकारी भी लेंगे कि आखिर बाबा श्याम जिस तरीके से यहाँ पर दरबार में लगाया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भक्तों की हजारों भीड़ जुटी हुई है और लगातार यहाँ पर भीड़ जिस तरीके से देखी जा रही है, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, क्योंकि भीड़ यहाँ पर बहुत काफ़ी हो चुकी है। बाबा का जो जन्मोत्सव है, ये जिस तरीके से जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है मुस्कान, ये एक बड़ा भव्य दरबार बनकर लखनऊ में उभरा है। गोमती के किनारे लखनऊ में ये दरबार स्थित है। हम चलते हैं कुछ भक्तों के पास और उनसे भी जानकारी लेते हैं बाबा श्याम के बारे में और क्या मान्यता है बाबा श्याम की। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कितने दरबार में लोग जुट रहे हैं, कितने सारे भक्त यहाँ पर साथ लेकर के बाबा की एक झलक पाने के लिए दरबार में मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बाबा श्याम के बारे में जानेंगे। बाबा श्याम के बारे में आप देखिए भक्त यहाँ पर जिस तरीके से आ रहे हैं, लगातार सुबह से तांता लगा हुआ है, अभी से नहीं, ये लगातार सुबह से तांता लगा हुआ और ये रात 12 बजे तक भी यहाँ पर अभी भजन भी चलने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़। देखिए रितेश, आप लगातार मंदिरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक बार हम रितेश और चाहेंगे कि आप दरबार की वो तस्वीरें दिखाएं, ताकि जो भी श्रद्धालु इस वक्त घरों में बैठे हैं, जो मंदिरों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, वो सीधा प्राइम टीवी के माध्यम से बाबा खाटू श्याम के दर्शन पूजन कर सके। साथ ही रितेश, खाटू श्याम मंदिर जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद है, इस मंदिर की मान्यता क्या है, इसके बारे में बताइए कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है। देखिए मुस्कान, मेरे साथ में इस समय मंदिर श्याम परिवार के लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही सीधा जानकारी लेते हैं कि बाबा के इस मंदिर की क्या मान्यता है। और खाटू श्याम की मान्यता तो पूरे विश्व में प्रख्यात है, क्योंकि बाबा हारे के सहारे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पूरी बात जानकारी भैया? जैसे कि बाबा के उद्घोष में है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिसकी कहीं पे कोई मनोकामना रह गई हो, कहीं ना पूरी हो, वो यहाँ पे आगे पूरी होती है। लोगों का अटूट विश्वास है बाबा श्याम में। और जैसे बाबा की चौखट पे ही लिखा हुआ, हमारे आप चौखट पे देखेंगे तो लिखा होगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जैसे कोई डॉक्टर किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, वैसे हमारे बाबा हारे के सहारे हैं, वो हारे के सहारे के स्पेशलिस्ट हैं। जो हार गया हो, जिसकी कहीं ना सुनी गई हो, इस चौखट में उसकी मुराद पूरी होती है। ये जनसैलाब इसका उदाहरण है।
ये जनसैलाब बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और अटूट विश्वास लोगों को बढ़ता ही जा रहा है इसमें। और ये जन्मोत्सव का उत्सव बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं बाबा का आज, और कल श्री राधा रानी का संकीर्तन होगा। हमारे बरसाने से श्री पूनम दीदी आई हैं और वो राधा रानी के भजन रस गंगा बहाएंगी यहाँ पर। और परसों फिर यहाँ का जो मंदिर यहाँ बनाया गया है, वो मंदिर कब बनाया गया था और क्या बता यहाँ की? ये मंदिर हमारा 2008 में बना था यहाँ पर, और मंदिर तो ये पुराना काफ़ी है, बस इसको नवीनता दी गई है। और धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे लोगों का जुड़ाव होता गया, जनसैलाब बढ़ता गया, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती गई, लोग यहाँ पे जुड़ते गए। और वैसे तो मेन मंदिर खाटू में राजस्थान में, देखिए जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु है वो ये जिक्र कर रहे हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम को कहा जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है कि आखिर खाटू श्याम को ये नाम क्यों दिया गया कि हारे का सहारा? हर बार कलयुग के इस समय में खाटू श्याम ही बनेंगे। देखिए इस बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि बाबा खाटू श्याम क्यों नाम पड़ा बाबा का, क्योंकि बर्बरीक थे ये और बर्बरीक ने अपने शीश का दान किया था, शीश के दानी कहे जाते हैं। खाटू नाम इसलिए पड़ा कि बाबा का जो शीश है खाटू शहर में प्रकट हुआ था इनका, बाबा के शीश जो है खाटू शहर में प्रकट हुआ, खाटू जगह का नाम है, इसलिए बाबा को खाटू श्याम जी भी कहते हैं। और जगह की वजह से बाबा का नाम एक खाटू श्याम जी भी है जो कि जगह राजस्थान में है, इसलिए इनका नाम खाटू के श्याम जी भी है। और इसको मान्यताएं हैं और बाबा की चौखट पर लिखा ही रहता है कि हारे का आरती लगभग यहाँ पर भोग प्रसाद का था और आरती का भी कुछ कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है। हम एक बार अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि सीधे वो ये तस्वीरें दिखाएं बाबा की, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए आप भव्य रूप से आरती भी चल रही है और सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाबा की आरती जो जिस प्रकार से चलाई जा रही है। देश वहां पर आरती की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देखिए कि शाम का समय हो चुका है और लगातार जो कतारें हैं वो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आप जो मंदिर में श्रद्धालु मौजूद है उनसे बातचीत करें और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर उनके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जब खाटू श्याम की आस्था लगातार उनमें बढ़ती चली गई। रितेश देखिए अभी यहाँ पर आरती का माहौल है और बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। अभी हम कुछ देर में अपने कुछ जो यहाँ पर भक्त हैं उनसे एक बार मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे बाबा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और जिस तरीके से भव्यता यहाँ, लोगों की भीड़ अचानक उमड़ पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को एवं लखनऊ वासियों को बाबा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भक्तों का सवेरे 5 बजे से लाइन अनवरत टूटी नहीं है, इसी तरह अनवरत भक्तों का लाइन दर्शन करने का तांता लगा हुआ है। आज जैसा जब मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं श्याम बाबा के बारे में, जब बर्बरीक से श्री कृष्ण जी ने शीश का दान लिया था तो शीश का दान लेने के बाद उनको वरदान दिया था कि कलयुग में हर घर में तुम्हारी पूजा श्याम नाम से पूजी जाएगी, कलयुग में हर घर में तुम्हारी जोत जलेगी। वही आज चरितार्थ कृष्ण भगवान का वरदान जैसे आज सच हो गया है, ऐसा भक्तों का हुजूम, ऐसा रेला हम लोग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमने करीब 2 लाख पैकेट प्रसाद की व्यवस्था करी थी जो भी हमको कम पड़ता दिखाई दे रहा है। उसके अलावा पिछले 15 दिनों से बाबा के दरबार को बनाने का काम हो रहा है। बाबा का दरबार जो बिल्कुल केक के शेप में मेवा मखाने से सजाया गया है और कलकत्ता से आए, ये जन्मोत्सव कार्यक्रम 3 दिवसीय मनाया जाएगा जिसमें प्रथम दिवस आज है, रात में 12 बजे 101 किलो का बाबा का केक कटेगा। इसी क्रम में कल ब्रज रस अनुरागी पूर्णिमा दीदी की भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया है। इसी क्रम में तीसरे दिन महाराजा अग्रसेन और श्याम बाबा के चरित्र के ऊपर नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया है। बाकी भक्तों में ऐसी भीड़, भक्तों की ऐसी भीड़ सिर्फ हम लोग को जो जन्माष्टमी पे देखने को मिलती थी, बट जन्माष्टमी वाली भीड़ को भी पीछे छोड़ आज भक्तों ने दर्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जय श्री श्याम। जैसे आप इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा श्याम का जन्मोत्सव जैसे बर्थडे मनाया जा रहा था उसी तरीके का आज एक वैसा माहौल है। आज यहाँ पर रात 12 बजे केक भी काटने की यहाँ पर प्रक्रिया होगी और पूरे भक्त लगातार यहाँ पर जुटे हैं। बिल्कुल रितेश, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से इस वक्त खाटू श्याम बाबा का दरबार इस वक्त सजाया गया है, मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और खाटू श्याम जन्मोत्सव की धूम साफ तौर पर लखनऊ में देखने को मिल रही है। रितेश, हम चाहेंगे एक बार आप वो
तमाम तस्वीरें फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से खाटू श्याम में लोगों की आस्था है। और अभी समय हो गया है तकरीबन रितेश 8:30 का, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिरों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, साथ ही खाटू श्याम में आखिर लोगों की आस्था कितनी है तस्वीरों के जरिए दिखाएं। रितेश, हम चल रहे क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार वो इन भक्तों को भी दिखाते चलें जो भक्त यहाँ पर लगातार इस दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए। क्योंकि बाबा श्याम कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो हारे के सहारे कहे जाते हैं, और ऐसे में बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपना माथा टेक रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं अभी और भी भक्तों को आपको दिखाऊंगा और बात कराऊंगा। आप देखिए, एक लंबा हुजूम, एक दूर से लंबा हुजूम अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर के लोग आ रहे हैं वहाँ से दरबार। ये काफी कई एक 2-3 किलोमीटर दूर से लाइन लगी हुई है, उस लाइन के जरिए बाबा के दरबार तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में जो श्रद्धा है, उनके मन में जो आस है, उनके मन में जो भी याचना है वो लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के बाद बाबा से अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो ये रात 12 बजे तक चलेगा, लगभग 101 किलो का केक यहाँ पर काटने की बात कही जा रही है रात 12 बजे। तो एक जैसे जन्माष्टमी का महोत्सव होता है मुस्कान, उस तरीके का महोत्सव इस समय हमारे सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस तरीके से बाबा श्याम यहाँ पर सजाए गए हैं, केक का पूरा, मेवे का पूरा उनका एक बड़ा सा उनका दरबार लगाया गया है, 101 किलो का यहाँ पर केक भी काटने की बात कही जा रही है। और इस वक्त आप भी खाटू श्याम मंदिर के अंदर मौजूद है, आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं इस मंदिर परिसर के अंदर पहुंचकर रितेश? रितेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, रितेश से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए लोगों की बाबा खाटू श्याम में आस्था कितनी है ये तस्वीरें उसकी गवाह है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और देखिए ये वही लोग हैं जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि खाटू श्याम में लोगों की आस्था कितनी ज्यादा है। लगातार खाटू श्याम मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है, और देखिए तकरीबन समय हो चुका है 8:30 से भी ज्यादा का, लेकिन मंदिर में जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो अभी भी देखने को मिल रही हैं। रितेश का दोबारा रुख करते हैं, जो लगातार हमारे साथ इस वक्त मंदिर से जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की, लेकिन देखिए रितेश, इस वक्त आप खाटू श्याम मंदिर के अंदर मौजूद है, श्रद्धालुओं की तो आस्था जो है वो देखने को मिल रही है, इस वक्त आप भी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस मंदिर परिसर के अंदर पहुंचकर? देखिए इस समय हम मंदिर परिसर में हैं, और यहाँ से हम थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं जहाँ पर बाबा का दरबार लगा है, और यहाँ पर जो भक्त निकल रहे हैं उनको भी दिखाने कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर इकट्ठा हो रहे, क्योंकि यहाँ पर आवाज बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं और दरबार दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि आगे जिस तरीके से दरबार लगाया गया है उन भक्तों को भी हम दिखाते चलेंगे कि भक्त कहाँ से लाइन लगाकर यहाँ पर जुटे हुए हैं, और काफी लंबी भीड़ है। ऐसे में जहाँ पर बाबा का भजन और गुणगान हो रहा है उस जगह पर भी हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर दरबार में जिस तरीके से लोगों का आने का सिलसिला लगातार चल रहा है, तो ये एक बड़ी बात है, जैसे एक नया जन्मोत्सव। मैं आपको अभी एक और उत्साह दिखाऊंगा इस कैमरे के जरिए कि कितनी भीड़ है। अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहेंगे कि कैमरे को ऊपर उठा के दिखाएं कि ये भीड़ कितनी लंबी है, और ये भीड़ अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि इस भीड़ में अभी 12 बजे जब खाटू श्याम नरेश का केक कटेगा उसके बाद ही कहीं पर ये यहाँ पर शांति होगी। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ भक्त हैं बाबा के, एक बार हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, बाबा के दरबार में आए थे, क्या अर्जी लेके आई? अर्जी तो कुछ नहीं, मैं बर्थडे विश करने आई थी, उनका बर्थडे विश करने। देखिए ये लोग बर्थडे विश करने आए थे, और यहाँ पर लगातार जो यहाँ का बाबा खाटू श्याम के जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तांता लगातार 12 बजे रात तक यहाँ पर चलता रहा। रितेश, आपने खाटू श्याम मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन जिस तरीके से आप बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखा रहे हैं, आखिर बाहर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जो लोगों की इतनी भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ पर भीड़ की अगर बात की जाए तो भीड़ बहुत ज्यादा। मेरे बाद ले चलूंगा अपने कैमरा पर्सन से, उसे कहूंगा कि ले चल के वो बाहर का भी नजारा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का भीड़ है वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है मुस्कान, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको
अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के लिए चल रहे हैं और उस तस्वीर को दिखाएंगे जहां पर सीधा बाबा का गुणगान वहां पर कुछ कलाकारों को द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर भीड़ की बात की जाए तो मुस्कान यहां पर एक सरसों भी फेंकने की जगह नहीं है। पुलिस प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था में लगी हुई है, लेकिन इतनी भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। तो मैं एक बार आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर बाबा का दरबार लगा है। तो उस दरबार में जिस तरीके का भजन संध्या हो रही वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो चले और आगे पूरे दरबार को, पूरी जगह को, उस स्थिति को दिखाएंगे जिस तरीके से बाबा का यहाँ पर दरबार लगा है। आपको शाम का संबंध महाभारत से है, वो पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक है। दरअसल बर्बरीक में अपने दादा भीम के तरह ही बलशाली योद्धा बनने के कई गुण थे। उन्होंने भगवान शिव की शक्ति की और भगवान शिव की भक्ति से उन्हें 3 अभेद बाण मिले। उनका एक नाम त्रिबाणधार भी है। महाभारत युद्ध जब हो रहा था तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाना चाहा। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध में जाने की अनुमति भी मांगी थी। तब इस दौरान माँ ने कहा कि चले जाओ। अब उन्होंने पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। तब उनकी माँ ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ युद्ध में कौरव, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य हैं, ऐसे में पांडवों का जीतना बिल्कुल मुश्किल है। तो उन्होंने बर्बरीक से कह दिया कि तुम हारे का सहारा बनना। और इसके पीछे की कहानी यही है कि जब महाभारत में बर्बरीक को, यानी कि बाबा खाटू श्याम को कहा गया कि पांडवों का जीतना युद्ध में मुश्किल है, तो बर्बरीक से कहा गया तुम्हें हारे का सहारा बनना है। और तब से बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर बर्बरीक कौरवों को हारता देख उनके साथ चले गए तो पांडवों का हारना तय है। इसलिए उन्होंने छल से ब्राह्मण का रूप लेकर उनका शीश दान में मांग लिया। बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनके जैसी दानी इस धरती पर ना हुआ है और ना होगा। ये वरदान भगवान खाटू श्याम को दिया गया था।
तो देखिए हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम को कहते हैं, साथ ही उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है इसके पीछे की भी कहानी का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। और रितेश लगातार खाटू श्याम जन्मोत्सव की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए रितेश, लगातार हम भारी भीड़ देख पा रहे हैं, साथ ही श्रद्धालुओं में बाबा खाटू श्याम को लेकर कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, ये भी इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। लेकिन देखिए रितेश, एक बार हम फिर वो तस्वीरें देखना चाहेंगे कि मंदिरों में भीड़ किस तरीके से लगी हुई है। देखिए मुस्कान, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो बाबा श्याम की सीधी तस्वीर एक बार दिखाएं और वो तस्वीर पूरा देश देखे। इस हमारे प्राइम टीवी के माध्यम से जो तस्वीर है बाबा का, वो तस्वीर हम पूरे देश को दिखा रहे हैं और पूरा प्रदेश, यानी बाबा जो हारे के सहारे हैं उनकी तस्वीर जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं वो इन तस्वीरों को साफ सीधे तौर पर देख सकते हैं। और अपनी मन में अगर कोई मुराद है उनकी तो अपने मन की मुराद को बाबा अपने इनसे बाबा से मांग सकते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर अब एक लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, 56 भोग भी लगाया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से बाबा का दरबार सजा है आप देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर पूजन प्रारंभ हुआ और जो भीड़ है वो भीड़, ये जो तस्वीरें मैंने सबसे पहले आपको दिखाई है, ये तस्वीर सबसे बड़ी बात बयां करती है कि बाबा श्याम कलयुग के देवता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको ये वरदान दिया था कि इनको हर घर में बाबा की पूजा होगी और बाबा का पूजन लगातार किया जाएगा। तो ऐसे में राजस्थान में जो मंदिर है, बिल्कुल ठीक है रितेश, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि बाबा खाटू श्याम को श्री कृष्ण ने ये आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी और कलयुग के वक्त में हर एक एक घर में उनकी पूजा बेहद ही धूमधाम से की जाएगी। और देखिए आज उसी का एक नमूना हम लगातार देख रहे हैं कि लखनऊ में किस तरीके से खाटू श्याम के प्रति जो लोगों की आस्था है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए और कितना रितेश श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ेगा बाबा खाटू श्याम की आरती के लिए। रितेश देखिए बाबा खाटू श्याम की आरती के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, और लेकिन मैं एक बार आपको भक्तों को दिखाऊंगा कि भक्त भी हैं, वो पूरी देखिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ। अब देखिए एक एक भक्त को देखिए, उनके हाथ में गुलाब का फूल है, वो लगातार अपने मन में कोई ना कोई ऐसी मुराद लेकर के आ रहे हैं जिन मुरादों को वो बाबा श्याम तक कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने साफ तौर पर कहा था कि श्याम के नाम से तुम्हारी पूजा होगी, जो बर्बरीक थे उनको श्याम के नाम से कलयुग का देवता कहा जाएगा। तो ऐसे में बाबा की पूजा जो आज यहाँ पर हो रही है, देखिए हमारे साथ भक्त भी हैं, लगातार प्रसाद वितरित कर रहे हैं। क्या मान्यता है बाबा की, इतने सारे भक्त इकट्ठा, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया लगता है। आज बर्थडे भी मनाया जाता है, आज एकादशी है, एकादशी में बाबा का जन्मोत्सव होता है। बाबा का आज जन्मोत्सव है, एकादशी के दिन आज बाबा का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो आज इस जन्मोत्सव में जो उमंग और जो भीड़ है और जो आस्था का सैलाब उमड़ा है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि अगर आपके मन में किसी भी ईश्वर के प्रति आस्था है तो उस आस्था से आप सब कुछ पा सकते हैं। यानी कि अगर बाबा जो हारे का सहारा है श्याम हमारा, उनके दरबार में अगर आपकी मन की कोई मुराद है और उस मुराद को अगर आप मांगते हैं तो मुराद बाबा अवश्य पूरी करते हैं। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और एक बार बाबा की आरती आई है, मैं बाबा की आरती भी आपको दिखाऊंगा कि आरती बाबा की जा रही है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। क्योंकि ये बड़ा विशेष होता है कि पूजन प्रारंभ हो और पूजन में जो आरती होता है उस आरती का विशेष महत्व माना गया है। इस आरती को लेने के लिए लोग पता नहीं कितनी दूर से, हजारों किलोमीटर से लोग चल के आते हैं। और ये आरती अब बाबा के दरबार में देखिए भक्तों का बिल्कुल। तो देखिए लगातार रितेश हमारे साथ खाटू श्याम मंदिर से जुड़े हुए हैं और इस वक्त खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार लगाया गया है। हारे के सहारे के नाम से लगातार खाटू श्याम मंदिर में जयकारे लगाए जा रहे हैं और देखिए मंदिर परिसर पूरा गूंज उठा है और लगातार रितेश हम तक सीधी तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा हर हारे हुए व्यक्ति की मनोकामना पूरी करते हैं और हर साल देवउठानी एकादशी पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो रितेश से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया। रितेश देखिए आप लगातार आरती की वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, एक बार फिर उस आरती की तस्वीरें पहुंचाइए जिसको लेकर लोगों में एक विशेष आस्था है। देखिए मुस्कान, सबसे पहले तो बाबा का दर्शन मैं लगातार करा रहा हूँ अपने भक्तों, अपने जो दर्शक हैं अपने प्राइम टीवी के अनुसार। आप देखिए कि यहाँ तक पहुँच पाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि इस हारे के दरबार में यदि कोई पहुँच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए, मैं सीधे तस्वीर आपको लेकर के चलता हूँ अंदर एक बार कि बाबा
घंटों ने बाबा का दरबार सजाया है और देखिए ये दरबार कितने भव्य स्तर पर सजाया गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए खाटू श्याम जन्मोत्सव का ये जो पर्व है ये अब लखनऊ में 3 दिनों तक देखने को मिलेगा, जहां आगामी 2 दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही खाटू श्याम मंदिर में फिलहाल भव्य दरबार लगा है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है और खाटू श्याम बाबा की आरती हो चुकी है और इस आरती को लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि इस आरती को लेके एक विशेष आस्था है लोगों की। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बाबा खाटू श्याम की आरती लेता है, जो भी बाबा खाटू श्याम की आरती में सम्मिलित होता है, उसकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है और यही वजह है कि इस आरती में शिरकत करने दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। रितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, हम चाहेंगे कि आप जो मंदिर के पुजारी है, जिनके पास इस मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी है, आप उनसे बातचीत करिए और जानिए कि अमूमन मंदिरों में भीड़ तो देखी गई है, लेकिन रोजमर्रा की अपेक्षा आज मंदिरों में किस तरीके से भारी भीड़ वो देख पा रहे हैं, उनको कैसी अनुभूति हो रही है ऐसी भीड़ देख के? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ श्याम परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे हम ये पूरा, आप यहाँ पर भगवान की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, आज एकादशी के दिन बाबा का जन्मोत्सव है, प्राकट दिवस है, तो ऐसे में जो भारी भीड़ जुमा हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे, बाबा का क्या इतना कलयुग में प्रताप है कि जिससे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं? ये आने वाले वक्तों में और भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि बाबा ने कहा है हारेगा सारा श्याम हमारा, लोगों के ऊपर इतनी वो बढ़ती जा रही है भगवान की पूजा, हारेगा सारा बाबा श्याम हर आदमी की मनोकामना पूरी कर रहा है। और मैं तो साक्षात इस बात से वो हूँ कि मैं कोरोना काल में अपनी नई जिंदगी लेके बाबा की वजह से लौटा हूँ, वरना डॉक्टर ने मुझे मत घोषित कर दिया था। आज मैं जो भी देन है मेरी, जो भी मैं खड़ा हूँ, तो श्याम बाबा की देन है और श्याम परिवार की देन है। देखिए अभी इन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन बाबा श्याम के सहारे इनका जीवन फिर से ऐसा हुआ, तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा श्याम करते हैं जो हार के सहारे कहीं से भी हार के दरबार में। देखिए तमाम कई ऐसी कहानियां हैं, तमाम कई ऐसे किस्से हैं जो लोगों की आस्था का गवाह है और उनके साथ न जाने कितने ऐसे चमत्कार हुए हैं और यही वजह है कि वो खाटू श्याम को लेके लगातार उनकी आस्था बढ़ती जा रही है। अभी हमने एक साफ तौर पर एक यूं कहे कि उदाहरण देखा किस तरीके से डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान बाबा खाटू श्याम के वो दरबार की तरफ लगातार रुख करते रहे और उनके चमत्कार का ही नतीजा है कि आज उनकी जो आस्था है वो बाबा खाटू श्याम में लगातार और निरंतर बढ़ती जा रही है। तो देखिए हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम को यूं ही नहीं कहते हैं, लोग इस बात के गवाह बने, लोग इस बात के साक्षी बन रहे हैं और लोग लगातार इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बाबा खाटू श्याम में उनकी आस्था बढ़ी है। देखिए रितेश, आप लगातार जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एक उदाहरण के जरिए ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से खाटू श्याम के प्रति उनकी आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है, तो रितेश ऐसे में किस तरीके से उनका संबंध महाभारत काल से बताया गया है एक बार हम संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए हमारे साथ अभी कुछ लोग और यहाँ पर जुड़ रहे हैं, पहले उनसे सीधे बात कर लेते हैं कि बाबा के दरबार में आप पहुंचे हैं और बाबा श्याम जो है वो हारे के सहारे, उनकी चौखट पे लिखा है बाबा हारे का सहारा, तो यहाँ पर लोग हार के पहुंचते हैं, आपकी क्या हार हुई थी और आप पहुंचे और आपकी जीत हुई? हमारी बहुत सारी हार हुई, हर हार को इन्होंने जीत में बदला है और हम जो है 1980 से बाबा की शरण में है। 1980 से क्या चमत्कार बाबा ने किया आपके जीवन में? एक ने तमाम किए हैं, उसको बखान करने की जरूरत नहीं है, बाबा जानता है हम जानते हैं। देखिए मन में आस्था, आपने देखा कि बाबा के लिए, बाबा के प्रति जो आस्था है वो उन्होंने कहा कि बखान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा जो करते हैं वो सपने में आके कर जाते हैं और उसके बाद उसका लाभ उस व्यक्ति को जब उसकी आंखें खुलती हैं तब मिलता है कि बाबा ने उसके जीवन में क्या चमत्कार भरा। तो ऐसा इनका प्रताप है खाटू श्याम का, क्योंकि खाटू नरेश कहे जाते हैं, हारे के सहारे कहे जाते हैं, तो ऐसे में बाबा का दरबार और बाबा के दरबार में ये भव्य जो लोग, जो भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वो मैं उनको दिखाऊंगा एक बार। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज खाटू श्याम का जन्मोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और दुनिया भर के हर एक एक कोने में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया जा रहा है और साथ ही इस दौरान हर एक मंदिर भव्य जयकारों से गूंज उठते हैं। और गोमती किनारे बाबा का ये विशेष दरबार आज लखनऊ में लगाया गया है, जहां हमारे सहयोगी रितेश तमाम तस्वीरें साझा करते हुए नजर आए। साथ ही ये तस्वीरें गवाह बने कि किस तरीके से साल दर साल लोगों की आस्था बाबा खाटू श्याम में बढ़ती जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।